हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस सेशन इलास्टिक केस का प्रैक्टिकल देखेंगे एंड कैसे कॉन्फ़िगर होता है वो देखेंगे। सो चालू करते हैं इलास्टिक केस कॉन्फ़िगरेशन। सो मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ। यहाँ पे एक जब क्लस्टर इंजन आप क्रिएट करते हो, क्लास क्लस्टर क्रिएट करते हो, तो यहाँ पे बेसिकली दो ऑप्शन पूछेगा आपको, एक है रेडिस एंड दूसरा है मेम केस। तो अभी हम रेडिस के साथ जाते हैं। ओके, तो ये नाम यहाँ पे हम देते हैं, तो लेट्स सी कि माय रेडिस, अब नाम देते हैं माय इलास्टिक। ओके, सो मैंने यहाँ पे हम नाम देते हैं, डिस्क्रिप्शन है एंड ये रेडिस का वर्जन है। आप बेसिकली ये कंपेटेबिलिटी वर्जन है, तो यहाँ पे डिफॉल्ट सिलेक्शन है। आप दूसरा भी सिलेक्ट कर सकते हो बेस ऑन आपका अवेलेबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट। रेडिस का पोर्ट है 6379 जो यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है। पैरामीटर ग्रुप है, यहाँ पे दो ऑप्शन है, उसमें से हम डिफॉल्ट सिलेक्ट कर रहे हैं। नोड है, यहाँ पे बेसिकली नोड में हम T2 मैक्रो देते हैं एज हम डेमो सेशन कर रहे हैं। कितने रेप्लिका यूज़ करने हैं आपके प्राइमरी जो डिप्लॉय होते हैं उसके, मतलब आपको दो अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में वो डिप्लॉय करेंगे। तो जब ये क्रिएट होगा तो दो अलग अवेलेबिलिटी जोन में डिप्लॉय करेंगे। फेल ओवर ऑटो फेल ओवर के मतलब अवेलेबिलिटी जोन के लिए एडवांस सेटिंग के अंदर है। तो सबनेट ग्रुप आप क्रिएट भी कर सकते हो, यहाँ पे मैंने पहले क्रिएट किया हुआ, तो मैं यहाँ पे सबनेट ग्रुप सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो बेसिकली आपके डिफरेंट मल्टीपल सबनेट का आप ग्रुप दे सकते हो एज ये अलग अलग रेप्लिका डिप्लॉय करेगा, तो वो चूज़ करेगा कौन से सबनेट ग्रुप में उसको सबनेट में ड्रॉप करना है। प्रीफर कर सकते हो, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा अगर मैं दो रेप्लिका कर रहा हूँ तो यहाँ पे प्राइमरी AP साउथ 1A पे जाएगा, तो रेप्लिका साउथ 1A में, एंड आप यहाँ पे वो चेंज कर सकते हो अवेलेबिलिटी जोन के हिसाब से। ओके, तो अभी हम नो प्रेफरेंस के साथ जा रहे हैं। सिक्योर्ड ग्रुप यहाँ पे डिफॉल्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अगर आपको स्पेसिफिक सिक्योर्ड ग्रुप बना देना है तो आप क्रिएट कर सकते हो और उसके हिसाब से आपको कॉन्फ़िगरेशन देना पड़ेगा। इंक्रिप्शन लेवल के लिए आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हो, एट रेस्ट एंड ट्रांजिट के लिए है दोनों अलग कॉन्फ़िगरेशन। इंपोर्ट है, बैकअप है, मेंटेनेंस है, तो बेसिकली आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डेटा इंपोर्ट क्लस्टर के लिए कहाँ से करना चाहते हो, जो S3 बकेट का नाम दे सकते हो आप यहाँ पे। बैकअप ऑटोमेटिकली मतलब कोई आपके कैशिंग का बैकअप रखना है तो उसके लिए आप कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हो एंड मेंटेनेंस है। सो क्रिएट करते हैं, ये था बेसिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर रेडिस एंड क्रिएट करते हैं। ओके, सो हम क्रिएट किया कर दिया है एंड देखते हैं। सो एक क्रिएटिंग स्टेट होता है जो आपको कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे जो आपने कॉन्फ़िगरेशन दिया वो देता है, बट यहाँ पे एंड पॉइंट नहीं देगा क्योंकि वो टाइम लगता है जब भी क्रिएटिंग होता है। तो तब तक हम मेरा दूसरा देखते जो केस क्लस्टर बनाया था, तो सेम रेडिस का ही है, इंजन रेडिस ही दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो उसने प्राइमरी एंड पॉइंट दिया है और ये एंड पॉइंट जो आपके एप्लीकेशन में यूज़ करना है केसिंग सिस्टम के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा एंड पॉइंट लेना है एंड बाकी कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पे देख सकते हो कि सिक्योरिटी ग्रुप सबनेट ग्रुप कौन सा दिया हुआ है, सिक्योरिटी ग्रुप कौन सा दिया है, तो आप वो यूज़ कर सकते हो इंफॉर्मेशन आपकी एप्लीकेशन में। ये हमने जैसे मतलब दो रेप्लिका बनाए थे, तो यहाँ पे एक प्राइमरी होता है, दो रेप्लिका होते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे उसने दो रेप्लिका बनाया, बेसिकली इसको नोड बोलते हैं एंड यहाँ पे बेसिकली तीन नोड यहाँ पे क्रिएटेड है। आप देख सकते हो तीन नोड के एंड पॉइंट है, तो आपको स्पेसिफिक नहीं देना, जब कॉमन देते हो तो वो अपने आप ही कैशिंग सिस्टम ही हैंडल कर लेगा कि कौन से नोड पर उसको मूव होना है। बट आप इसके इंफॉर्मेशन देख सकते हो, मतलब आपका नोड कौन सा यूज़ हो रहा है, उसको मॉनिटर भी कर सकते हो आपके नोड को एंड आप अपने नोड को यहाँ से डिलीट कर सकते हो एंड आपको लगता है कि वो ज़्यादा लोडेड होता है उसको रिबूट भी कर सकते हो।
तो ये था रेडिस का कॉन्फ़िगरेशन एंड रेडिस का कैसे क्रिएट करते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ से लेते हैं, एंड पॉइंट कैसे लेते हैं, एंड नोड की इंफॉर्मेशन है। एंड आई होप कि आपको रेडिस के बारे में कुछ आइडिया आया होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर AWS टेक्निकल वीडियो, एंड प्लीज़ शेयर योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड इन यूट्यूब कमेंट सेक्शन।